हेलो गाइस, आपका फिर स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो पीछे जो दिख रहा है वो हाँ रावण है, इतना तैयार हुआ अभी और आज पूरा पूरी तैयार करके इसको कंप्लीट करना है क्योंकि आज है दशहरा। तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामना। देखो इतना तैयार हुआ है, अब इसको तुरंत तैयार कर देंगे हम लोग। बस इसमें अभी तक इसमें कपड़ा लगाए हैं, कपड़ा लगा दिए हैं, इसके बाद इसमें वो नया कपड़ा जो है ना उसको लगाएंगे, कुर्ता टाइप का इसको बनाएंगे सिल सिल के, उसके बाद इसमें पूरा डाल देंगे तो ये कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद सीट तो है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा दोपहर तक। मेन सिर बस बचा है बनाने के लिए, वो बन जाएगा। उसके बाद सिर भी बन के कम्प्लीट हो जाएगा, फिर इसका काम कम्प्लीट और वहाँ पे स्टेज लगाना है यहाँ पे। तो शाम का मस्त प्रोग्राम है, आप लोग को अलग से वीडियो दिखाना है, दिखाऊंगा उसका। और देखो कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर, मैं कमेंट करके जरूर से बताना। अच्छा इतना तैयार हुआ है तो गाइस, अब मैं करना हूँ ब्रश। और ये देखो कुछ इस प्रकार से तैयार हुआ इतना। अब तो थोड़ा सा आकार भी दिख रहा है किस प्रकार से है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाथ वाला को अभी कपड़ा सिल के इसमें पूरा डालना बचा है, पेट वाला तो हो गया, पैर में भी थोड़ा सा अब कुछ नहीं डाला हूँ, पूरा डालूंगा तो अच्छा लगेगा। ये तो बताना कैसा लग रहा है, अभी तो इतना ही कंप्लीट हुआ है। अभी इतना कुछ तैयार हुआ है, ये देखो अभी इतना तैयार हो गया है। इस तरफ से दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है, ये देखो ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हुआ है। हाँ सच्ची में इसको ऊपर और थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, देखो कैसा लग रहा है। तो गाइस तो लगभग लगभग तैयार हो गया है, बस कपड़ा पहनाना बचा है और सिर बनाना बचा है। और ये देखो यहाँ पर लगाना है रावण को, गाड़ना है, ये देखो इधर से ऐसा है और ये घर है। तो घर के यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर गड्ढा खोदा हूँ और अभी बहुत ज़्यादा धूप करा है, 12:30 बज गया अभी भी, अभी तक नहाना है अभी मेरे को। सिर भी क्या, सिर भी बनाना है और डांस भी सीखना है ना। दिखा रहा हूँ गड्ढा कैसे किया, ये देखो कैसे इस तरह से गड्ढा किया, यहाँ पे गड्ढा करा था लेकिन धसक गया, तो यहाँ पे किया, यहाँ पे मजबूत से गड़ा रहेगा ना। अब इसमें ला के उसको लगा देते हैं, रावण को गाड़ देते हैं। तो आज सुबह से सुबह 4 बजे उठ के ही लगा हुआ मैं तो इस काम में। गाइस रावण को तो मैं खड़े कर दिया हूँ यहाँ पर, दिखा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। अभी कपड़ा नहीं पहनाया हूँ इसलिए विदाउट में है, अभी ड्रेस में नहीं है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो कैसा लग रहा है ये, अभी इसमें कपड़ा लगाना है, बाकी कपड़ा तो लगाना बचा है। इस प्रकार से दिख रहा है रावण, अभी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा धूप है फिलहाल। तो अभी मैं आता हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद इसका सिर बनाना है, सिर बनाएंगे उसके बाद इस ऊपर सिर रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसके बाद इसका कुर्ता भी लगा रहेगा तो और अच्छा लगेगा। तो बाद में मिलता हूँ हम लोगों से। गाइस ये देखो रावण इतना तैयार हो गया, देखो पीछे लाल और ऊपर नहीं पीछे पीला और ऊपर लाल, कैसा लग रहा है बताना। अब मैं इसमें सिर लगा रहा हूँ, देखो सिर ने लगा है ना। तो गाइस ये देखो कपड़ा पहन चुका है पूरा का पूरा, और माला भी पहना दिया हूँ, तलवार ढाल सब हो चुका है। अब मुंडी लगाना है, वो देखो मुंडी आ रहा है, इतना सारा मुंडी, इसको अभी लगाएंगे और ये रावण होगा तैयार। तो रावण हो गया रेडी, ये देखो मैं इससे ऊपर खड़ा हूँ, मेरे से भी छोटा है, देखो मैं इतना ऊंचा हूँ, कंपेयर कर सकते हो रावण से मैं कितना ऊंचा हूँ, मेरा हाइट कितना है, मेरा हाइट है 12 फीट, समझ रहे हो। ये देखो माला पहन चुका है, मुंडी मुंडी बन चुका है, ये अंधा नहीं है, ये बस इसका सिंगार है, सेहरा है, ठीक है इसलिए। और ये रहा माला, माला और नीचे पैंट, इसमें अभी धोती पहनाने की कोशिश करता हूँ, धोती नहीं बनेगा तो चलेगा। पीला रंग का पैंट है नीचे, ऊपर लाल रंग का कुर्ता है। और अभी जाते हैं नारायणपुर वाला जो राउंड बना है उसको देखने के लिए, उसका एक वीडियो बना देता हूँ ताकि थंबनेल अच्छा आ जाना। तो चलो वहीं पर दिखाता हूँ।
बन के पूरा तैयार हो चुका है, जो जिसका सिनेमेटिक वीडियो आप देख चुके हैं। ये देखो सामने में वो दिख रहा है, वो जो रावण का मूर्ति है। और कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। अभी जाते मैं जाता हूँ नारायणपुर का वो बड़ा वाला रावण के पास, उसका वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह का है, और वहाँ जाकर तुरंत भी आना है मेरे को, तो दिखाता हूँ। बस ये है नारायणपुर का रावण, इतना बड़ा ट्रैक्टर के सामने देख सकते हो कितना बड़ा लग रहा है। इस तरह से कुल मिला के हम लोग का जैसा ही है, लेकिन हम लोग पूरा लाल कर दिए यहाँ से वहाँ का दूर, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा दूर में है, कोई बात नहीं। अभी जब ये जलेगा तब देखने के लिए आएंगे ही, और वहाँ पूरा खुदा दिए हैं क्योंकि जलाना है, तो वहाँ पूरा आग लगा दें तो पूरा जल जाएगा। तो मैं दिखा दिया कि नारायण रावण पीछे इस प्रकार से बना है, दो जगह बना है, एक जगह ये और एक जगह वो घर पे, मेरे घर पे देख लिया। तो अभी तैयारी चल रहा है, लाइटनिंग वाइटनिंग हो रहा है सब, और अभी भीड़ नहीं है। जब रात होगा ना, जब दुर्गा माता को लेके आएंगे, तब यहाँ पे पूरा भर जाएंगे, पूरा रोड भर जाता है, और रोड को खाली करवाने के लिए पुलिस को आना पड़ता है। ये देखो वहाँ पर गुपचुप ठेला लगा हुआ है, वो देखो, ओ वहाँ पर, तो जिसको खाना हो आ जाना, अभी के लिए ही है, बाद में चला जाएगा। तो अभी बहुत कम लोग हैं, जैसे ही आएगा वैसे ही यहाँ पर भीड़ हो जाएगा और आतिशबाजी होगा। गाइस रावण तो एकदम तैयार हो चुका है, और ये देखो रावण की पत्नी बन के आ चुकी है ये इसका भी दहन कर देंगे देखो और रावण पूरा पूरी तैयार हो चुका है। कैसे लग रहा है रावण कमेंट करके भी बताना जरूर, वहाँ से अच्छा हम लोग का है। ये देखो कैसे लग रहा है वाइड एंगल में, ये देखो ये अच्छा लग रहा है ना। तो पैर भी अभी बना दिया तो कम्प्लीट हो गया रावण पूरा का पूरा। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5:30, और माता जी को निकाल चुके हैं, और पीछे देख रहे रावण दिख रहा है ना, मस्त लग रहा है दूर से तो और अच्छा लग रहा है। और माता जी को निकाल चुके हैं अभी, और अभी ब्लॉग में आगे कंटिन्यू करूंगा। क्या रावण दहन शुरू हो गया है, धुआं धुआं हो गया है, बम का तो गजब था। बस वाह, इस बार डर नहीं लगा, ये छोटा छोटा है, कान सुनो जा रहा है, फिर से जला रे, वाह चलो 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 चलो, आ जा आ जा, अरे गिरना मत चलो ऊपर तक पहुंच गया, अभी और फटेगा। छाती ही बचा है मेन, तो अभी छाती में है, वही बचा है, हाथ में भी है, हाथ में भी है, सिर तक पहुंच गया इधर का भिंगा था ऊपर ऊपर। नारायणपुर में रावण दहन हो गया रे ऊपर धुआं ऊपर जा रहा है, देखो कैसे अच्छा चल रहा है, अभी धरा है, अभी तो ए धरा है रे पीछे, तो अभी धरा है, अभी तो ठीक है, पीछे तो पड़ा है, चले थे चलो भाई, यहाँ भूत की भी जगह बस भूत की भी जगह